आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी शहर भगवान शिव की नगरी के नाम से जाना जाता है। सिवनी में राम भद्राचार्य महाराज की रामकथा का आयोजन 9 सितंबर से 17 सितंबर तक पॉलिटेक्निक कॉलेज के खेल के मैदान में हो रहा है। दरअसल लोगों का ये कहना है, आसपास जो मार्ग है, मार्ग में जिस तरीके के फ्लैग्स लगे हुए हैं, उन फ्लैग्स को देखकर लोगों का ये लोग भ्रमित हैं, जनता भ्रमित है। लोगों का ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि इस राम कथा को कांग्रेस करा रही है या भाजपा करा रही है, या कांग्रेस के नेता करा रहे हैं या भाजपा के नेता करा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिनेश राय के चित्रों वाले स्वागत द्वार और पोस्टर्स लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के पोस्टर भी लगे हुए हैं, जिसमें राजा बघेल का नाम और उनका फोटो भी उसमें है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि ये कांग्रेस की ओर से राजा बघेल के द्वारा लगाए गए पोस्टर्स में, जितने भी फ्लैग्स लगाए गए हैं, उन फ्लैग्स में ये जरूर लिखा गया है कि द्विपीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज, जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, उनकी अवतरण स्थली, जन्म स्थली में राम भद्राचार्य महाराज का स्वागत है। लोगों का ये भी कहना है कि दिनेश राय के जो पोस्टर्स फ्लैग्स लगे हुए हैं उसमें जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का नाम भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ राजा बघेल के पोस्टर्स में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज का नाम, उनकी फ़ोटो और वर्तमान में उनके स्थान पर जो दो नए शंकराचार्य बनाए गए हैं उनके फ़ोटो और उनके नामों का उल्लेख भी उसमें किया गया। इसी बीच राम भद्राचार्य महाराज के द्वारा एक वक्तव्य दिया गया है, रामकथा के दौरान एक वक्तव्य दिया गया है, कुछ पत्रकार मित्रों के द्वारा ये वक्तव्य भी भेजा गया है। इस वक्तव्य में क्या कह रहे हैं राम भद्राचार्य महाराज, वो हम आपको सुनाते हैं। अमूमन इस तरीके की बात संत कभी किया नहीं करते हैं। आइए हम सुनाते हैं क्या कह रहे हैं राम भद्राचार्य महाराज। इस बार तो आप उन्मुक्त होकर खिला दीजिए कमल भोपाल में, और मुनमुन को इस बार मिनिस्टर बनाना मेरी जिम्मेदारी। मैं कोई इनकी वकालत कर नहीं, पर ये लड़का मुझे इतना प्रिय है, मुनमुन राय इतना प्रिय है मुझको, इस बार भोपाल में कैबिनेट मिनिस्ट्री में इनको मुझे किसी न किसी विभाग में बिठाना है। तो सुना आपने राम भद्राचार्य महाराज के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के बारे में क्या कहा गया, और दिनेश राय मुनमुन राय के बारे में क्या कहा गया। अमूमन संतों से इस तरीके का फेवर की उम्मीद कतई नहीं की जाती। एक साक्षात्कार के एक छोटा सा अंश भी एक पत्रकार मित्र के द्वारा भेजा गया, ये हम सुनाते हैं क्या कह रहे हैं। फिर जितवाइए, अब की बार उसको मंत्री बनाएंगे। चित्रकूट, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट की तुलसी पीठाधीश्वर राम भद्राचार्य महाराज के द्वारा सीधे सीधे दिनेश राय को जिताने की अपील की गई है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें मंत्री बनाने की जवाबदेही उनकी। कोई संत किसी व्यक्ति को, जो अभी चुनाव नहीं हुआ है, जिसमें टिकट का भी उन्हें अभी आश्वासन नहीं मिला होगा निश्चित तौर पर, और टिकट अगर मिल भी जाती है तो विजय कौन होगा ये बात भी किसी को पता नहीं है। पर इसके बाद मंत्री बनाने की अगर कोई गारंटी ले रहा है तो निश्चित तौर पर ये बात कहीं ना कहीं सियासी बयावान में उथल पुथल मचाने के लिए पर्याप्त मानी जा सकती है। आइए एक बार फिर सुनाते हैं क्या कह रहे हैं राम भद्राचार्य महाराज। इस बार तो आप उन्मुक्त होकर खिला दीजिए कमल भोपाल में, और मुनमुन को इस बार मिनिस्टर बनाना मेरी जिम्मेदारी। मैं कोई इनकी वकालत कर नहीं, पर ये लड़का मुझे इतना प्रिय है, मुनमुन राय इतना प्रिय है मुझको, इस बार भोपाल में
मिनिस्ट्री में इनको मुझे किसी न किसी विभाग बिठाना है। फिर जितवाइए, अब की बार उसको मंत्री बनाएंगे। राम भद्राचार्य महाराज के इस वक्तव्य के बाद शिव की नगरी में चर्चाओं का बाजार जबरदस्त तरीके से गर्मा गया है। वैसे भी लोगों का यही मानना है कि चुनाव के आसपास ही इस तरीके से आयोजन किए जाते हैं, इस तरीके के आयोजन चुनाव के आसपास ही दिखाई देते हैं। मध्य प्रदेश में अनेक जिलों में चुनाव के आसपास इस तरीके के आयोजन होना आम बात ही मानी गई है। चूँकि इस पूरे मामले में कांग्रेस की तरफ से अभी कोई वक्तव्य या बयान नहीं आया है, इसलिए अभी फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। आप लगातार देख रहे होंगे बैनर्स, पोस्टर्स, फ्लैक्स जो लगे हुए हैं, उसमें दिनेश राय और राजा बघेल दो लोगों के बैनर और पोस्टर लगे हुए हैं। दिनेश राय भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, राजा बघेल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और दोनों ही चुनाव संभावित है कि वे चुनाव लड़ें। एक बार फिर सुनिए राम भद्राचार्य महाराज क्या कह रहे हैं। इस बार तो आप उन्मुक्त होकर खिला दीजिए कमल भोपाल में, और मुनमुन को इस बार मिनिस्टर बनाना मेरी जिम्मेदारी। मैं कोई इनकी वकालत करने पर ये लड़का मुझे इतना प्रिय है, मुनमुन राय इतना प्रिय है मुझको, इस बार भोपाल में कैबिनेट मिनिस्ट्री में इनको मुझे किसी न किसी विभाग बिठाना है। फिर जितवाइए, अब की बार उसको मंत्री बनाएंगे। वैसे इस पूरे मामले में हमने आपको दो तीन बार सुनाया राम भद्राचार्य महाराज क्या कह रहे हैं और साक्षात्कार में भी उनके द्वारा क्या कहा गया। इस पूरे मामले में विपक्ष में बैठी कांग्रेस यहां एक बार हम आपको दिखा दें। देखिए आवारा मवेशी किस तरह से यातायात को बाधित कर रहे हैं, मुख्य मार्ग पर ये स्थिति है। जिलाधिकारी के निर्देश के लगभग दो महीने के बाद भी नगर पालिका परिषद जिलाधिकारी की नाक के नीचे नगर पालिका परिषद के द्वारा अब मवेशी मुक्त सिवनी शहर को नहीं कराया गया है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल अगर इस बारे में बात की जाए कि कांग्रेस के द्वारा इस मामले में अभी तक अपनी चुप्पी तोड़ी नहीं गई है। वैसे भी कांग्रेस के द्वारा जब भी निशाना साधा जाता है तो सीधे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पर निशाना साधा जाता है। वे कांग्रेस के प्रवक्ता हों, नेता हों या प्रकोष्ठों के अन्य सदस्य या पदाधिकारी, वे सीधे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को इस कदर निशाना बनाते हैं मानो वे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के कद के समकक्ष हों। कभी भी स्थानीय स्तर पर चाहे रेलवे में विलंबकारित हुआ हो, कभी भी सिवनी जिले के दोनों सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन और फग्गन सिंह कुलस्ते के खिलाफ उनके कांग्रेस के द्वारा कभी भी आवाज़ नहीं उठाई गई। सिवनी में मेडिकल कॉलेज का भवन बन रहा है, मेडिकल कॉलेज का अता पता नहीं है, पर उसके बाद भी कांग्रेस इस मामले में पूरी तरह मौन है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिनेश राय के द्वारा लगभग दो साल पहले कांग्रेस भवन के निर्माण में शिक्षकों और सफाई कर्मियों के से रिश्वत लेने के आरोप लगाए गए थे। उनके द्वारा एक पत्रकार वार्ता में कहा गया था कि कांग्रेस के द्वारा शिक्षा कर्मियों और सफाई कर्मियों से रिश्वत लेकर इस कांग्रेस के भवन को बनाया गया है। उसके बाद भी कांग्रेस मौन साधे हुए है। वैसे फिलहाल जो राम भद्राचार्य महाराज के द्वारा वक्तव्य दिया गया है वो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।